अब सबसे पहले हम घी डालेंगे, घी लेंगे आधा पाव के करीब, हमने घी लिया इसमें, थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा से बादाम डालेंगे, इसको अच्छा हम सुबह आने तक भूनेंगे अपनी इलायची को। बहुत ही मजे का बनके तैयार होता है ये चंकी दाल का हलवा, बनाना तो बहुत ही आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हम शीरा बनाएंगे। हमने आधा किलो चने की दाल ली थी, अब इसमें डेढ़ प्याला चीनी डालेंगे, इसका अच्छे से शीरा बना लेंगे। इसमें दो दाल का हमें शीरा बनाना है, इसमें एक कप पानी डाल देंगे हम। आधा किलो हमारी चने की दाल है तो एक कप पानी डालेंगे हम उसके हिसाब से, उसका शीरा बना लेंगे। डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा ऐसा डाल देंगे एक ड्रॉप। देखिए एक साल का शीरा बन चुका है, ये देखें हमें इतना ही चाहिए था। जिसमें हम अपना हलवा जमाएंगे उसको हमने घी से ग्रीस कर लिया है ट्रे को। हमारा शीरा बन चुका है, इसमें हम ये दाल जो हमने भून के रखी है डाल के मिक्स करेंगे। बस जल्दी जल्दी आपको मिलाना है इसको, हर कोई रखना पड़े। अब इसको हम जमाएंगे, सबसे पहले हम जमाएंगे, गरम गरम होता है ये बहुत। तो इस तरीके से जमा देंगे हम दाल के हलवे को। हल्दी भाई तो आप खाना कैसे, हमने देखे ट्रे में अच्छे से जमा लिया इसको। अब इसमें हम बादाम डालेंगे, गार्निश करेंगे अच्छे से। पिसा हुआ खोपरा लिया ये भी डाल देंगे इसमें, ताकि हम हमारा हलवा बहुत ही अच्छा लगे देखने में भी और खाने में तो है ही मज़ेदार। चांदी के वर्क से इसको गार्निश करेंगे, कर देंगे हम इसको। आप कागज़ के साथ ही लगाएं वरना तो ये हाथों में चिपक जाता है। अब ये देखें 10 से 15 मिनट में अच्छे तरह सेट हो जाएगा, फिर हम इसको आप काट के बताएंगे। अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा जो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। अब हम इसका शीरा बनाएंगे। सबसे पहले हम घी डालेंगे इसमें, 2 चमचे हमने घी डाल दिया है, इलायची पाउडर डाल दिया है, इसको अच्छे से खुशबू आने तक भूनेंगे हम। आधा किलो सूजी लिए तो आधे ही किलो हम चीनी डालेंगे, वो कहने चीनी डालेंगे, एक कप इसमें पानी डालेंगे। खोपरा काटा है हमने बारीक, ये भी डाल देंगे इसमें, थोड़े से बादाम डाल देंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा डाल देंगे अंदर, थोड़ा सा केवड़ा इसमें डाल देंगे, अच्छे से दो तार का शीरा बना लेंगे हम। सबसे पहले अच्छे से पका लेंगे, 2 तार का शीरा बन चुका है इस वक्त। अब इसमें हम सूजी डालेंगे जो हमने भून के रखी हुई थी, अच्छे से सेट हो गया है, इसको हम जमा देंगे। ऐसे ही होना चाहिए, आराम से जम जाएगा। आगे अब इसी ट्रे में हम जमा देंगे ये, गर्म होते ही मैं प्लेट की मदद से कर रही हूँ। इसमें आप ये बादाम गार्निश कर देंगे, इसका खोपरा डाल देंगे इस पर भी हम, ताकि देखने में बहुत ही प्यारा लगेगी और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। इसे हम चांदी के वर्क से गार्निश कर देंगे।
इस तरीके से 10 से 15 मिनट में अच्छे से सेट हो जाएगा ये। फिर दिखाते हैं हम किस तरीके का बनके तैयार हुआ है, ये आपको काट के दिखाएंगे हम। तैयार हो गया फिर अच्छे से ये जम गया है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से ये निकल रहा है, देखें ये देखिए इतना अच्छा बर्फी की तरह जमाइए और खाने में तो बहुत ही मज़े का है। आप भी शिवरात्रि पे इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी सूजी की हलवे की रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह मैंने दाल का हलवा बनाया है, दाल का हलवा भी देखें इतना अच्छे से जम गया ये और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। ये भी मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ, दूसरा पीस भी देखें। ये भी बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है, मेरे दोनों हलवे बहुत अच्छे बने हैं। आप भी जरूर बना के ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।